इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन आता है उसको हम लोग आसानी से ट्रिक से कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, पहला ट्रिक जो हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन के थ्रू ही बता रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन में ये है कि cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, ये आपका गिवन है। ये क्या है? आपका गिवन है। इफ प्रूव दैट, जो आपको प्रूव करना है वो है आपका dy/dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y और नीचे में साइन ए। तो जो भी आपको गिवन है, जो भी गिवन है उसी को डिफ्रेंशिएट करने से ये प्रूव होता है, ये वाला। तो सबसे पहली बात, जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है आपका cos y इक्वल टू x cos a प्लस y। अब यहाँ से खेल आपका शुरू होगा। एक स्टूडेंट होगा, मान लिया जाए जो जनरल स्टूडेंट होगा, जनरल स्टूडेंट एक होगा आपका स्मार्ट स्टूडेंट। तो वो काम क्या करेगा, जनरल स्टूडेंट इसको क्या करेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देगा। डायरेक्ट क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो कहेगा अच्छा प्रूव करना है, अच्छा प्रूविंग में देखा जाए तो एक्स नहीं है, प्रूविंग में dy/dx बराबर जो भी लिखा हुआ है उसमें एक्स नहीं है। मतलब क्या है? dy/dx इक्वल टू इस जगह पे एक्स नहीं है। वो सोचेगा अच्छा एक्स नहीं है, ओ तो पहला काम करेगा वो, स्टेप वन करेगा, सॉल्व फॉर एक्स। ये क्या होता है सर? सॉल्व फॉर एक्स या फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। वो पहले एक्स का वैल्यू निकालेगा। तो कैसे सर एक्स का वैल्यू वो कैसे निकालेगा? अभी तक तो वो डिफ्रेंशिएट करने के बारे में सोचा भी नहीं, पहले वो एक्स का वैल्यू निकालेगा। क्यों एक्स का वैल्यू निकालेगा? क्योंकि एक्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नहीं है पहले उसका वैल्यू निकालिए आप। तो एक्स नहीं है तो एक्स का वैल्यू निकालिए। तो एक्स का वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे तो मेरे सामने ऐसा आएगा कॉस वाई और नीचे में आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है। किसको करना है? इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या सोचा कि जो नहीं है dy/dx बराबर में एक्स नहीं है तो हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ वाई नहीं रहता तो हम पहले वाई का वैल्यू निकालते तब डिफ्रेंशिएट करते। बहुत बार ऐसा होगा जब वैल्यू नहीं निकलेगा आपसे, चिंता करने की बात नहीं है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। अब क्या करें हम लोग, देखिए अब क्या होगा, एक्स बराबर कॉस वाई और क्या है आपका कॉस ए प्लस वाई है। ऊपर वाले को हाई और नीचे वाले को
लो, ऊपर वाले को हाई और नीचे वाले को लो बोलेंगे। अच्छा, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वन होता है। फिर से बोलिए, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वन होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, लो लो, तो लो अब फिर लो, लो लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हाई का डिफरेंशिएशन, हाई का डिफरेंशिएशन हम दूसरे कलर से लिखते हैं। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन वाई, ठीक है, और वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जाके माइनस हाई, अब किसका डिफरेंशिएशन, लो का डिफरेंशिएशन, तो लो का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन ए प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। अरे ए का जीरो और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स तब तक कॉमन आ जाएगा। इसको भी हम कहते हैं चलो उधर, तो हमको लगता है ये उधर जाके बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये ऊपर आ गया। तब तक हुआ क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, और ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस वाई और इनटू कॉस वाई। माइनस कॉस ए प्लस वाई आई इंटू साइन वाई, कोई दिक्कत नहीं। तब तक कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि क्यों ना सर, इसको इतना बड़ा है, इसको कुछ सोचते हैं हम लोग। इसको कोई स्टूडेंट तब तक सोच लिया ए, और इसको सोच लिया बी, क्योंकि वो स्मार्ट स्टूडेंट था, ये ए सोच लिया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तब तक उसके दिमाग में आया कि सर बताए थे कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है साइन ए माइनस बी, यही बताए थे, कोई बात नहीं। तब तक इधर क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स, अंदर ही अंदर साइन ए प्लस वाई और माइनस वाई। तो आप ही बताइए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और नीचे में साइन ए, और इस तरह आप चले गए हिमाचल प्रदेश। हैंस प्रूफ, इस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन हम दे देते हैं एक। इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई सो डैट डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और नीचे में साइन ए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। सेम तरीका से बनेगा, तो ये आपके लिए पहला ट्रिक था
प्रोबिंग का। इसी तरह छोटा छोटा ट्रिक हम लेके आते